हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा RBI के तरफ से ग्रेड सी और ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट हो रहा है, वेरियस पोस्ट में निकला हुआ है, जिसका डिटेल्स मैं यहाँ पर आप लोगों को दूंगा, जिसको आप देख के यहाँ पर अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और ऑनलाइन आर इन्वाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर ग्रेड सी, जिसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना होगा ऑनलाइन में जाके। ऑनलाइन के एप्लीकेशन के डेट जो कि 19 दिसंबर 2018 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है इसका 8 जनवरी 2019। तो दोस्तों, एप्लीकेशन शुरू हो गया है, जो लोग अभी भी अप्लाई नहीं किया है तो अभी जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा 600 रुपीज़। जो लोग जनरल एंड OBC कैंडिडेट, उन लोगों के लिए यहाँ पर 600 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। जो लोग SC ST PWD है, उन लोगों के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और जो लोग RBI के स्टाफ हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि पोस्ट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट है ट्रेड फाइनेंस, जिसके लिए यहाँ पे आपको टोटल पोस्ट जो है इस पोस्ट के लिए 5 एंड डेजिग्नेशन आपको चाहिए बैंक एग्जामिनेशन सुपरवाइजर मैनेजर। एलिजिबिलिटी है इसके लिए मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, MBA, PG DBA PG PM PG DM विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है कॉरपोरेट लीडिंग, जिसके लिए आपको 5 वैकेंसी है, इसके लिए भी आपको सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ट्रेजरी के लिए आपको 5 वैकेंसी है, जिसके लिए भी आपको सेम आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद दोस्तों, रिटेल लीडिंग के लिए भी आपको सेम आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद दोस्तों, एनालिस्ट एंड जनरल बैंकिंग के लिए आपको सेम क्वालिफिकेशन चाहिए। अकाउंटिंग अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए आपको यहाँ पे CA ICWA मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, MBA PG DBA के विथ 5 ईयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको 10 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको BE BTEC MTEC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड MCA के 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए 5 वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक इकोनॉमेट्रिक्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ये सब आपको जो कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, बहुत सारे और भी पोस्ट जो कि निकला हुआ है, मेन फ्रेम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन मिडिल वेयर एक्सपर्ट, एप्लीकेशन मिडिल वेयर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द IBM MQ, नेटवर्क एक्सपर्ट, वेब डिज़ाइनर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, बिग डाटा एंड ओपन सोर्स, बिहेवियर साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड टैक्सेशन इश्यूज। तो दोस्तों, जब भी आप अप्लाई करना करेंगे, उसके बाद ही उसके पहले आप लोग इसका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन और भी डिटेल जो दिया गया है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, जिसके लिए मैं नीचे इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइज के लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते। इसके अलावा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के भी लिंक मैं नीचे दे दूँगा, जिसके लिए आप क्लिक करके ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन कर सकते। एप्लीकेशन करने के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते। कोई भी इस वीडियो में कोई भी आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम के भी पेज दिया गया है, जिसमें से आप जाके मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।